एवरीवन, वेलकम टू IBTS. आई एम रोशनी गौतम और आज हम स्कीम्स के सीरीज में बात करेंगे. स्टूडेंट मुद्रा योजना बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि अप्रैल में ही अभी ही इसका जो है एनिवर्सरी हुआ है तो एग्जाम में आ सकता है. तो चलिए बात करते हैं मुद्रा योजना. इससे पहले बहुत सारे स्कीम्स हमने कर लिया है. अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा. आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं वहाँ पर स्कीम्स तो पूछता ही पूछता है एग्जामिनर. तो चलिए स्टार्ट करते हैं मुद्रा योजना. इसका शॉर्ट नेम है PMMY. ओके, PMMY मतलब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, शॉर्ट नेम है स्टूडेंट. अगर मुद्रा की बात करें तो उसका फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट, मतलब छोटे इन्वेस्टर को डेवलपमेंट के लिए और रीफाइनेंस जो है ये एजेंसी है. तो माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी बैंक है. ओके, तो मुद्रा बैंक है. ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है. कोई भी स्कीम्स करते हैं तो ये जरूर देख लीजिए कि कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है. बात करें स्टूडेंट, थोड़ा सा मैं अगर बैकग्राउंड बताऊं तो यहाँ पर 2013 में NSSO मतलब कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सर्वे किया गया और ये देखा गया कि 60% जो कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBC मतलब अदर बैकवर्ड क्लास से हैं, वो फॉर्मल सेक्टर से, फॉर्मल सेक्टर से लोन नहीं लेते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर से लेते हैं, जैसे कि लैंडलॉर्ड हो गए, इन सब के लिए. इस गैप को फुलफिल करने के लिए मुद्रा लोन स्कीम लाया गया ताकि पर्सन की जो है बैंकिंग फैसिलिटी और जो आजकल वर्ड देखते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन वो बढ़े. मतलब हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, चाहे कोई भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उनका फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाने के लिए स्कीम लाया गया. अब बात करते हैं ये कब आया. तो लॉन्च डेट की बात करें तो 8 अप्रैल 2015 को ये लाया गया. ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लाया गया है, पीएम जी के द्वारा. इसका पर्पस क्या था? यहाँ पर पर्पस मतलब 50,000 से स्टार्ट हो जाता है मिनिमम अमाउंट और जो मैक्सिमम अमाउंट है वो 10 लाख, मीन्स अप टू जो सीलिंग लिमिट है 10 लाख तक लोन प्रोवाइड कराना है नॉन कॉरपोरेट, मतलब जो प्रॉफिट ओरिएंटेड कंपनीज हैं उनको नहीं, और नॉन फॉर्म मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर यहाँ पर नहीं है, याद रखिएगा. तो नॉन फॉर्म या माइक्रो एंटरप्रेन्योर जो कि छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करते हैं, छोटे छोटे लेवल की उनकी एंटरप्रेन्योरशिप है, उनको लोन प्रोवाइड के लिए ये मुद्रा स्कीम लाई गई. यहाँ पर जो मुद्रा स्कीम के तहत तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, शिशु, तरुण और किशोर. शिशु, तरुण और किशोर ऐसे क्लासिफाई किया गया है. अगर लेंडिंग इंस्टीट्यूट की बात करें तो मुद्रा किसी भी इंडिविजुअल और किसी भी माइक्रो स्मॉल एंटरप्रेन्योर को लोन नहीं देता है. इसके लिए सारी बैंक्स जो रिस्पॉन्सिबल है बैंक ले लोन देने के लिए, जैसे कमर्शियल बैंक हो गया, RRBs बैंक हो गया, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ये सब लोन देती हैं. इट मीन्स अगर किसी इंडिविजुअल को चाहिए तो मुद्रा बैंक या मुद्रा के पास कोई एक इंस्टीट्यूट नहीं है वो देगा उसको, इसके अंडर ये सारी बैंक जो हैं वो लोन देती हैं. समझ आया? तो लेंडिंग इंस्टीट्यूट ये सारे हैं. एप्लीकेशन, अगर आपको एप्लीकेशन देना है तो आपको एक पोर्टल है, उद्यमी मित्रा पोर्टल, वहां पर जाके अप्लाई कर सकते हैं. जो प्रोडक्ट मतलब कितना लोन किस इन्वेस्टर को चाहिए, किस एंटरप्रेन्योर को चाहिए, उसको तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, शिशु, किशोर और तरुण, अकॉर्डिंग टू लोन अमाउंट. लोन अमाउंट मतलब शिशु के लिए 50,000 लोन, किशोर किशोर के लिए 50,000 से 5 लाख और तरुण के लिए 5 लाख से 10 लाख. मतलब मिनिमम अमाउंट 50 और मैक्सिमम कितना है? 10 लाख. अब देखेंगे कौन कौन एलिजिबल होता है. कोई भी इंडिविजुअल जो कि नॉन फार्म सेक्टर के लिए अलावा, नॉन फार्म सेक्टर और नॉन कॉरपोरेट सेक्टर हो उसके उसके अलावा वो लोन ले सकता है. प्रोप्राइटरी मतलब कि किसी का अपना इंडिविजुअल ओनरशिप है, मतलब कि एक कंपनी है उसका उसमें ओनरशिप है, वसी को कंट्रोल करता है तो वो होता है. पार्टनरशिप मतलब कि दो पार्टनरशिप है वो भी ले सकते हैं.
प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, लिमिटेड कंपनीज हैं वो भी ले सकती हैं, पब्लिक कंपनीज हैं वो भी ले सकती हैं, एनी अदर लीगल फॉर्म, ओके, एनी अदर जो लीगल फॉर्म कंपनीज होते हैं वो ले सकते हैं। ये होना चाहिए कि वो आगे उनका जो क्रेडिट स्कोर है वो अच्छा होना चाहिए, डिफॉल्टर नहीं होने चाहिए, इट मीन्स पहले उन्होंने लोन लेके और लौटाया नहीं है ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। उनका सिबिल स्कोर, उनका क्रेडिट स्कोर अच्छा होना चाहिए, वो उनके पास नेसेसरी स्किल्स होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, स्किल होना चाहिए, नॉलेज, मतलब जिस कंपनी पर वो कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो उसका नॉलेज होना चाहिए, उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखी जाएगी और उसी के अकॉर्डिंग उनको लोन दिया जाएगा। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और नेसेसरी स्किल, मतलब वो बिजनेस कर रहे हैं तो उनको कुछ आता है या नहीं, उसके बेसिस पर लोन दिया जाएगा। कोई भी यहाँ पर लोन पर्सनल पर्पस के लिए नहीं ले सकता है ये स्टूडेंट, कोई भी इंडिविजुअल बोरो नहीं कर सकता है फॉर द पर्सनल पर्पस, ठीक है, जैसे शादी के लिए लिए लिया, ओके, ऐसा लोन नहीं ले सकता है। तो यहाँ पर आ गया है पर्पस ऑफ असिस्टेंस, लोन लिया जाता है किस किस पर्पस के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, कोई चीज रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बना रहे हो, प्रोसेसिंग के लिए, सर्विस सेक्टर के लिए और ट्रेडिंग के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, राइट, कुछ बना रहे हो उसके लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए, मतलब डे टू डे एक्सपेंडिचर के लिए पैसा, या फिर कोई कैपिटल एसेट खरीदने के लिए, मशीन खरीदने के लिए लोन एलिजिबल है, ओके, कोई भी कंजम्पशन और पर्सनल नीड के लिए नहीं ले सकता, जैसे खाने पीने के लिए लोन नहीं ले सकता, पर्सनल नीड्स नहीं ले सकता है। और मुद्रा लॉन्च हुआ है, मुद्रा कार्ड, मतलब कि वो पैसा विड्रॉल करा सकता है, ऐसे इस प्रकार का कार्ड होता है, मुद्रा कार्ड इसको बोलते हैं, जो कि किस प्लेटफॉर्म के द्वारा किया जाता है, तो रुपए प्लेटफॉर्म, ओके, कोई वीजा देखते हैं तो ये रुपए प्लेटफॉर्म होगा, रुपए डेबिट कार्ड हो गए, ओके, और ये कार्ड का क्या नाम है, मुद्रा कार्ड, ओके, मुद्रा कार्ड इस तरह से। इंटरेस्ट रेट, वैसे इंटरेस्ट रेट डिसाइड नहीं है स्टूडेंट, ये बैंक पर डिसाइड होगा और आरबीआई के द्वारा डिसाइड किया जाता है, जो कि वेरी करता है टाइम टू टाइम, तो इंटरेस्ट रेट फिक्स नहीं है। मैंने बहुत सारे बैंक्स के पास देखा कि कोई बैंक कोई कुछ और चार्ज कर रहा है, कोई और चार्ज कर रहा है, बट जो चार्जेबल इंटरेस्ट रेट होगा वो बहुत कम होगा, बहुत मिनिमम होगा, चार्ज बहुत रीजनेबल रेट पर होगा, ये कमर्शियल बैंक, आरआरबी, कोऑपरेटिव बैंक पर होगा कि वो कितना इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, और एडवाइस भी करता है कौन, मुद्रा लिमिटेड टाइम टू टाइम। रीपेमेंट ऑफ टर्म लोन, मतलब वो जब लोन लेता है तो कितने टाइम तक लौटा सकता है, यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है कि बिजनेस की जितनी जैसे जैसे कैश फ्लो, मतलब प्रॉफिट आता जाएगा, वो लोन वापस कर लेगा, वो भी वेरी करता है बैंक टू बैंक, राइट। मैंने ये भी देखा प्लेटफॉर्म पे जाके कि कौन से बैंक्स, मतलब एसबीआई अलग चार्ज कर रहा है, कोई आरआरबी से, कोई अलग, मैक्सिमम जो लिमिट है वो अलग अलग बैंक का है, वो उस पे डिपेंड करता है, ओके। तो यहाँ पर कोई फिक्स रीपेमेंट टर्म लोन नहीं है। उसके बाद एक क्वेश्चन है जिसका कमेंट सेक्शन में आप आंसर बताइएगा, व्हाट डज मुद्रा स्टैंड फॉर इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी, माइक्रो यूटिलिटीज डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट और रेन्यूएबल एनर्जी। जो आंसर होगा उसका कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर बताइएगा क्या है, ओके। अगर स्टूडेंट आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिनके डेमो लेक्चर ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है, आप हमसे इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट होता है, कोई भी सजेशन होता है चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इसके पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, पढ़ाई करते रहिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट स्कीम में मैं आपको मिलूंगी।